बहुत तेरी एडवेंचर होता है। ये देखो लिफाफा टांग रखा। मैं निकला था अभी राइड पे, मैं बताता हूँ आगे जाके बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। तो मम्मी ने ये दे दिया किसी गाय को, कितने डाल दियो, ये घूम तो रही है यहाँ पे। अभी सबसे पहले मेरे को करना है रिफ्यूल। रिफ्यूल करके मेरा दोस्त यार वहाँ पे पहुँच चुका ऑलरेडी, तो उसी हिसाब से मेरे को खींचना पड़ेगा। ओके, तो आज भाई साहब राइडिंग सूट में नहीं हूँ मैं, ऐसे डेनिम्स पहन ली और ड्राई फिट टी शर्ट है, क्योंकि ट्रस्ट मी गर्मी बहुत है। मौसम स्टिल थोड़ा बेटर है अभी, और ये चीज़ अच्छी हो गई कि बारिश हो गई, नहीं तो भाई साहब इतनी बुरी हालत होती ना। वैसे भी राइडिंग जैकेट तो मैं वैसे भी पहनने नहीं वाला था, तो मेरे को बस ये था कि राइड निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से ना डिले हो जा रहा था। तो अभी इतना सही है कि निकल चुके हैं। ओके, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। राइट नाउ द टाइम इज 11:30। निकलते निकलते बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि सुबह पहले तो बारिश हो रही थी, और आज वापस से जिसके साथ मैं राइड कर रहा हूँ उस बंदे ने पहले तो कैंसिल कर दिया, और फिर वापस वाइजर खुला हुआ था, सॉरी। तो दोबारा वापस बात हुई है हमारी, बारिश रुकी, फिर मैंने बात करी कि निकल ही लेते हैं यार, मौसम अच्छा है तो कैंसिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर थोड़ी बहुत बारिश लग भी गई तो रेन लाइनर और ये सब रख लिया। थोड़ा सा ट्रैफिक, ट्रक ट्रैफिक ज़्यादा लग रहा है, आगे जाके देखते हैं। जिस रोड पे निकल रहा हूँ मैं, ये है दसुआ रोड, और ये लीड करती है आगे जाके पठानकोट जम्मू के लिए। इस रोड पे वैसे भी देखा जाए ना ट्रक्स और ये सब ज़्यादा होता है। फॉर ऑल दोज हु डोंट नो, मैं आज निकल रहा हूँ कुकानेट। कुकानेट एक जगह है, गांव है बेसिकली होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, और काफ़ी फेमस है आजकल, ज़्यादा ही कुछ फेमस हो गया ऑफ रोडिंग के लिए। और इस जगह की खासियत क्या है कि रास्ता रोड नहीं है पहले तो वहाँ पे जाने के लिए। हाँ, तो पंजाबी जो आपका कह देने चो, जैसे ये ऊपर ही जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ये जैसे बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नहर बोल सकते हैं, सॉर्ट ऑफ अ नहर बोल लो, ठीक है। तो उसमें से जाया जाता है, प्रॉपर कोई रोड नहीं है वहाँ पे जाने के लिए, और थोड़ा सा माउंटेन हिली एरिया पड़ जाता है कुकानेट का। कुकानेट आप कभी भी चले जाओ, पूरा साल आपको पानी ऐसे ही वहाँ पे चलता हुआ मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ना चलता ही रहता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ज़मीन में से रिसता है वहाँ से पानी, मतलब अपने आप निकलता है। जिन्होंने मेरे व्लॉग्स पुराने देखे हैं उनको इतना पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई करा था वहाँ पे जाने के लिए, बट टाइम इश्यूज थे, मैं घर से लेट निकला था, तो इसी वजह से टाइम पे नहीं पहुँच पाया। मैं जिस टाइम पे वहाँ पे पहुँचा था उस टाइम अंधेरा होना शुरू हो चुका था, और अगर मैं इनकेस आगे चला जाता तो मेरे को ये दिक्कत होती कि वापस मुड़ने के लिए लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रीट लाइट वगैरह तो भूल जाओ, घर की लाइट भी हार्डली आपको कोई दिखेगी। घर एक आध घर आपको मिलेगा, ठीक है, रास्ते में, वहाँ पे तो गांव में तो चलो जो भी है वहाँ पे, बट चश्मी लग गया। वो बंदा मिल गया, ओके, तो ये मिल गया बंदा। नेविगेशन ला ली तुम? तो भाई साहब नेविगेशन लग चुकी है, नेविगेशन का बहुत मेरे साथ नाम जोड़ा गया, नेविगेशन वाला चैनल का नाम ही नेविगेशन लगा दूंगा। यार ये वाली ना रोड बहुत ज्यादा प्यारी है यार। लास्ट टाइम अगर किसी ने लास्ट व्लॉग नहीं देखा जब मैं कोकोनेट आया था, तो मतलब उस टाइम पे धूप ज़्यादा थी, ये सारा इतना ब्राइट दिख रहा था ना उस टाइम पे, बट अभी देखो क्या सुंदर है यार रोड। तो मैं अभी हरियाणा वाली साइड से आया हूँ, लास्ट व्लॉग में भी मैंने बताया था ये स्टेट वाला हरियाणा नहीं है, ये एक टाउन है जो कि होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। होशियारपुर से मैं आया हूँ हरियाणा, हरियाणा से टोलवाहा वाली साइड निकला हूँ मैं, ये
होशियारपुर से एक रास्ता और निकलता है जो कि वीरका मिल्क प्लांट वाली साइड से, मैंग्रोवाल डैम वाली साइड से, अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए आना तो उस साइड थोड़ा सा, उस टाइम मैं जब आया था ना लास्ट टाइम, तो मैंग्रोवाल साइड से आया था, तो वहाँ पे थोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी छोड़ो यार, थैंकफुली आज मौसम इतना प्यारा हो गया ना, और रोड चेक करो यार क्या सही लग रही है। मुझे ना बहुत से लोगों ने कमेंट्स में भी बोला कि भाई पंजाबी में बात करो पंजाबी। देखो मैं, मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पंजाबी अपनी माँ बोली है, ठीक है। मैं इदा नहीं कर सकता भी पंजाबी च ना गल कर पावा ना, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। मैं डालने के लिए मैं पंजाबी में भी डाल सकता हूँ, मैं हिंदी में ही क्यों करता, क्योंकि मेरी हर किसी का एक मोटिव होंदा, राइट, हर किसी का एक प्लान होंदा लाइफ के विच कि कितने तक की करना, बंदे ने कितने तक जाना है, की करना चाहता है, ठीक है। और मेरी कुछ प्लानिंग अलग सी, मैं चाहना कि होर स्टेट्स के लोग भी मैनू देखन, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट करा ब्लॉग करना हिंदी में। अदरवाइज पंजाबी में जो ब्लॉग करना होगा मैंने कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा मैंने होर भी ज़्यादा ईजी है, जो मैं पंजाबी चाहवा ब्लॉग करना तो मैंने ईजी है मेरे लिए, क्योंकि रोज़ आप घर भी पंजाबी बोली दी है, ठीक है, यार दोस्त भी पंजाबी बोली दी, तो मेरे लिए तो सब तो ज़्यादा ईजी है। बट इस करके मेरा रीज़न येगा कि मैं चाहना कि मैं होर भी स्टेट्स के लोग देखन, मेरा कॉन्टेंट होर भी स्टेट्स के लोग देखन, इसीलिए मैं शुरू किया सगा पंजाबी दे अपना, सॉरी हिंदी दे ब्लॉग करना। लो जी हम पहुँच गए टोलवा, शायद लास्ट टाइम यहाँ पे रुक के मैंने सेटिंग्स चेंज करी थी अपने कैमरा की, इधर रुक के पिछली बार जो तो मैं आया सगा ना इस रास्ते ते, मतलब आ मेरे ख्याल ना रोड उदो बंद ही पई सी, पूरी नहीं बनी सी, कुछ पैच सगे बिच जिहड़े बनते पे सी उदो, तो मतलब जे किसी ने देखा ब्लॉग तो पता ही होना बहुत ज़्यादा ही खराब सी उस टाइम पर। हूँ तो फिर भी स्टिल फार बैटर आ। मिट्टी इन्नी क्यों है यार, इतने रोड दिखती नहीं भी, सारी मिट्टी उपर आई हुई है। आपसे सीधा अगर आप जाओगे तो आपको डैम मिल जाएगा, और यहाँ से लेफ्ट आगे जाके मुड़ना है, और वो रास्ता जाएगा कुकानेट के लिए, मतलब काफ़ी सारे गांव हैं बीच में, वो सारे क्रॉस करके यहाँ से नीचे उतरेगा, बहुत पतला सा रोड है, और राइट साइड में वो जो होता है ना मधुमक्खियों के वो छत्ते, मतलब पाल रखी है वहाँ पे हनी के लिए, शहद के लिए, यही है रोड, आगे जाके डैम है। ओ भाई ये तो रास्ता और ज़्यादा ख़राब है भाई, इतना ख़राब तो नहीं था उस टाइम पे, थोड़ा हिसाब से ही चलना चाहिए भाई। आवाज़ सुनाई दे रही है, ये बारिश की वजह से सारे फ्रॉग्स और ये सब की आवाज़ है सारी। ओ भाई मेरी फट गई अभी, ये प्लेन की आवाज़ आ रही थी जैसे ही उस कॉर्नर से मैं निकला हूँ भाई साहब, मेरे को लगा ओ भाई साहब, वो एको हो रही थी आवाज़ किसी तरीके से, तो मेरे को लगा कि वो रोर करने की आवाज़ है। ओ भाई साहब क्या फटी है मेरी वहाँ पे इसीलिए मैं ये रास्ते पे ना अकेले मैं ट्रैवल नहीं कर रहा था, राइड करने के लिए मैं अकेले भी आ सकता था इस साइड, अकेले इसी वजह से नहीं मैं आ रहा था। कंपनी हो तो अच्छा रहता है ऐसे रास्ते पे, और अगर आप भी कभी इस साइड आने का ट्राई कर रहे हो या सोच रहे हो तो ट्राई करो कि कंपनी हो आपके साथ, सोलो राइड करने वाली जगह नहीं है ये, सोलो मत करो, कोई ना कोई साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या सुंदर लग रहा है यार, यहाँ पे ठंडा लग रहा है कंपैरेटिवली, पहले ह्यूमिड था पीछे इतना हुमस था ना, यहाँ पे बेटर है। होशियारपुर ना इसी वजह से बोला जाता है कि पोल्यूशन कंपैरेटिवली कम है, और रीज़न आप देख ही रहे हो हिमाचल के फुटहिल्स में तो ऐसे जंगल्स और ये सब बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके तो हरियाणा से अगर देखा जाए ना तो वहाँ से कुछ एक घंटे का रास्ता दिखा रहा था, और अभी 11 मिनट्स है, और साला समझ ही नहीं आ रहा कि इतना रास्ता कवर कर भी लिया, टाइम का पता ही नहीं चला बीच में। जो दूसरा वाला रास्ता था ना जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड करा वो थोड़ा सा क्लीन है, अगर आप लोग आना चाहते हो कभी सोच रहे हो कुकानेट जाने का तो दोनों व्लॉग्स आप चेकआउट कर सकते हो, और जो भी रास्ता आप लोगों को सही लगता है, क्योंकि दूसरी वाली साइड थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर है रास्ता। ओके वेलकम टू कुकानेट। ओके भाई इधरों जा होना,
स्प्राइट दे दियो फिर छोटियां वाली दो दे दियो। तो फाइनली कुकानेट एंटर कर चुका है राइट नाउ द टाइम में 12:30 साढ़े 11 निकले थे हम लोग मतलब वहाँ से घर से तो मैं 11:30-11 बजे निकला था और यहाँ पे शॉप है यहाँ पे आगे हैं थोड़ा सा ये शॉप है यहाँ पे इधर का पानी आ रहा है ओके। तो लो जी फाइनली एडवेंचर होता है शुरू यहाँ से जूते वूते सब जाते लगेंगे अब तो। भाई क्रूजर बाइक पे एडवेंचर कर रहा हूँ मैं। मेरे जूतों में तो हो गया पानी गया। मोटरसाइकिल गया खुब तो हम कट दें भाई हूँ आ गया सामने बहुत वधिया यार लोगों को इतने रहते पे क्या नजारा है। बाइक फस गई थी भाई शुक्र है जल्दी निकल के। अब तो बारिश हो रखी है ना उसकी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं तो यहाँ पे पहले शॉट देखा होगा ना आपने यहाँ पे स्टॉल है चाय का मैगी और ये सब अगर आपको आज तो चलो कल रात बारिश हुई है ना तो मे भी उस वजह से आज हमें टिकट भी नहीं देनी पड़ी कोई चार्ज नहीं करा उन्होंने एंट्रेंस के लिए। नहीं तो बाइक के लिए 100 रुपये चार्ज करते हैं और गाड़ी के लिए 300 है शायद से एंट्री। यहाँ पे फंसा था और निकालना चाहिए था इधर से भाई ने इधर डाल दिया। यहाँ पे ना कुछ लोगों ने व्लॉग्स यहाँ पे डाले हुए हैं अपना केव्स कोई है यहाँ पे बट अभी ढूंढने लगे तो बहुत टाइम जाएगा इससे बेटर अपना एक्सप्लोर करो एंजॉय करो और आगे निकलते हैं फिर। ये देखो सारे बांस ही हैं यहाँ पे बैम्बू ज़्यादा है कभी भी आते हो ना यहाँ पे वैसे तो यूजुअली इतना पानी नहीं होगा कभी भी आओगे तो ट्राई करो जैसे ये जगह होती है ना यहाँ पे हाइट है ज़्यादा जहाँ पे भी आपको प्लेन एरिया दिख रहा है चाहे पत्थर है चढ़ा दो आगे कुछ नहीं पता। जैसे यहाँ पे गलती हुई ना ये हमारे भाई से तो मैं तो खैर इधर से ही मैंने यहाँ से लिया था हाँ मैं तो इधर से चढ़ गया भाई ने आगे डाल दी बाइक जहाँ पे भी थोड़ा प्लेन दिख रहा है ना आपको उधर ही चढ़ा दो थोड़ा सेफ साइड लेके चलो अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं इतना गहरा नहीं है बट अगर बाइक वगैरह धस गई ना अंदर तो ज़्यादा दिक्कत है। भाई जहाँ पे हमारी बाइक फंसी थी ना ये देखो ये स्कूटी पे आए थे उधर ही उनकी फंस गई। वैसे देखा जाए ना इतना पानी होता नहीं है यहाँ पे जब लास्ट टाइम मैं आया था अगर लास्ट वाला व्लॉग आप देखोगे ना वहाँ पे इतना पानी नहीं है मे बी मैं पीछे था तो वहाँ पे हो सकता है कि कम होता होगा बट यहाँ पे पानी खैर ज़्यादा है क्योंकि कल रात बारिश हुई है ये तो कन्फर्म है कि बारिश की वजह से ज़्यादा हुआ है नहीं तो इतना पानी मेरे ख्याल से तो नहीं होता।
जगह बहुत सही है, अगर एक दो लोग हों यहाँ पे आराम से रिलैक्स करने के लिए ना, यहाँ पे बैठ सकते हैं। बेंच बने हुए हैं आगे, हम तो गलत जगह यहाँ पे रुक गए क्योंकि खैर आगे नहीं जा सकते, वो एरिया यहाँ पे जगह ऐसी है, वहाँ पे पानी भी ज़्यादा और चौड़ाई ज़्यादा नहीं है रस्ते की, तो वहाँ से ज़्यादा आगे नहीं जाना है हमें। तो एक बार तो सीन हो गया कि बाइक फंस गई और आगे जाएंगे अभी फालतू में कोई दिक्कत होगी तो चक्कर पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए कुछ खा पी लेते हैं, पानी लिया नहीं हमने, स्प्राइट ली थी, ये पी लेते हैं अभी, फिर मिलता हूँ आपको। ओके, तो फाइनली बलकलावा उतार दिया मैंने, जगह ट्रस्ट मी इतनी सुंदर है ना, मतलब अगर रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे आना है तो आ जाओ। वो लास्ट वाले ब्लॉग का क्या सीन था कि मैं दूसरे रास्ते से आया था, वहाँ पे एक तो शाम हो चुकी थी, अगर मैं आगे निकल जाता तो मेरे को वापस आते हुए ना अंधेरा हो जाता, तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे रिस्क नहीं लिया। और फिलहाल यहाँ से आगे इसलिए नहीं हम लोग गए क्योंकि ये जो जगह है ना, वहाँ पे आगे जाके दिखाता हूँ, ये सामने ये दिख रहा है, यहाँ से अगर निकाली ना बाइक, ये पॉइंट गहरा है यहाँ पे, तो फंस सकती है बाइक, इसीलिए यहाँ पे रिस्क नहीं लिया हमने। और आगे हैं चीज़ें और भी हैं, बट देखते हैं, एक प्लान और है, एक एंजल फार्म है यहाँ पे, कोई स्विमिंग पूल और ये सब है वहाँ पे, देखते हैं। पहले तो प्लान था इधर ही एक दो वाटरफॉल्स है छोटी, वहाँ पे नहाने का प्लान था। शुरू हो गए लोग यहाँ पे, पहले तो सही है, बच्चे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी एक ड्रोन शॉट लगाते हैं, आप करो ड्रोन शॉट इंजॉय, हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं वापस, और अभी प्लान है हमारा एंजल फार्म जाने का। एंजल फार्म बेसिकली कैसी जगह, स्विमिंग पूल और ये सब है वहाँ पे, और मक्खी सी थी, मैं डर गया, मैंने पता नहीं क्या है, मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, और अगर कोई गया है वहाँ पे तो उसको तो अच्छी तरह से पता होगा कि जगह कैसी है। मेरा फर्स्ट टाइम मैं जाके देखता कि एग्जैक्टली है क्या वहाँ पे, तो ट्राई करो कभी भी ऐसी जगह पे आते हो ना बिलोंगिंग टू द सेम सिटी, एक स्पेयर पॉलीथीन रखो, उसमें कोई भी गार्बेज होता है खाने के लिए, कुछ चीज़ें लेके आते हो तो जो भी रबिश आपके पास होता है उसमें डालो और साथ में ले दो, बाहर कहीं जाके बिन और किसी में डंप कर दो, ऐसे यहाँ पे पड़ा रहता है ना तो बहुत अजीब लगता है, सीरियस। चलिए भाई, कैमरा हो गया होना चार्ज मेरा, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, एक 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 आज ना मेरे को स्पेयर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा क्या होता है कि कभी भी बैटरी डाउन होती है ना तो मैं हमेशा कनेक्ट करता हूँ पावर बैंक के साथ, और वायर होती है उसके साथ तो वो फ़ायदा नहीं रहता कैमरा का चार्ज करना, कई बार खिंच जाती है वायर, तो वो सीन ना मेरे को एक स्पेयर बैटरी लेनी पड़ेगी इसकी। चलो जी, आ जाओ भाई। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Okay, got up in a daydream. Family jaani shuru ho gayi hai. So I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Cruiser bike pe adventure kar raha hu bhai. सही निकल रही है, पर टच वर्ड ओ तेरी बल्ले शेरा कोई नहीं, तेरा चकरे पैंदी है चकरे। सिद्धू व्लॉग्स का सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो फाइनली वी आर हियर, और जगह कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है भाई।